एसएसबी डॉक्टर विपिन ताडा ने दो पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर एसबीआई के पुलिस सर्विस पैकेज स्कीम के तहत आर्थिक सहायता के रूप में 40-40 लाख रुपए का चेक सौंपा, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि दो पुलिसकर्मी निशांत विश्वकर्मा अजीत राय हैं, जिनकी मृत्यु दुर्घटना में हो गई थी, जिनका खाता एसबीआई में पुलिस सैलरी पैकेज में खुला था, जिसके तहत एसबीआई बैंक की तरफ से मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा सुविधा के अंतर्गत 40-40 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है, जिसमें मेरे द्वारा परिजनों को चेक प्रदान किया गया, जिसके लिए एसबीआई बैंक को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों से अपील करता हूं कि सभी पुलिसकर्मी अपना खाता पुलिस सर्विस पैकेज में करा लें, जिससे भविष्य में अगर किसी के साथ दुर्घटना घटती है तो योजना का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, लाभ मिला है ना सर, तो वो करके प्रेस नोट जारी हो जाएगी, ये वो आए तो ऐसा ये मृत्यु हुई थी इस प्रकार से ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में, और फिर इन्होंने अपने जीवन में रहते ये अकाउंट खोला था और ये पॉलिसी अपनाई थी, जिसके चलते आज इनको मृत्यु पश्चात इनके माता पिता को ये प्राप्त हुआ एसबीआई से, जो जरिए एसएसपी गोरखपुर इनको उपलब्ध कराया गया। ये जो बेनिफिट वाला पॉइंट है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि अपना रुचि रखेंगे इस पॉइंट में। कर लेंगे सैलरी पैकेज में, खुले हैं कि नहीं खुले हैं तो हम उसको सैलरी पैकेज में कन्वर्ट कर देंगे सर। कई ऐसे भी होंगे जिनकी सैलरी आ रही होगी लेकिन सैलरी पैकेज का कोड इंडिकेट करना पड़ता है सर, तो हम उसको कर देंगे। तो अकाउंट जो सेविंग होता है सर, हम जाके पैसा भेज देंगे वहाँ, तो तीन मुझे तीन काम पड़ेंगे आज। एक तो मेरा अकाउंट मेन अकाउंट जो है रामपुर मेन ब्रांच में, रामपुर में सर, उसको यहाँ ट्रांसफर करवाना होगा। दूसरा मुझे एक एटीएम करवाना है, मेरा एटीएम तो भूल गया सर, वो करवाना होगा। लोग इन्वेस्ट करवा देते हैं कि ठीक है भाई, क्या हम उधर जाएंगे जी। इसमें हमारे दो पुलिसकर्मी हैं जो जिनकी ड्यूटी पर दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, निशांत विश्वकर्मा और अजीत राय जी, इनके दोनों के परिजनों को आज एसबीआई बैंक की तरफ से प्रत्येक परिवार को 40-40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, क्योंकि उनका अकाउंट एसबीआई बैंक में था जो कि पुलिस सैलरी अकाउंट के स्कीम के अंतर्गत कवर्ड था, और इसमें दुर्घटना पश्चात इनकी मृत्यु होने पर बैंक की तरफ से इनको परिजनों को 40 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। और ये सराहनीय कार्य है कि हमारे कर्मचारी पुलिस विभाग के जो ड्यूटी पर शहीद हो गए हैं, ड्यूटी पर रहते दुर्घटनावश जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मृत्यु के पश्चात उनके परिवारों को बैंक द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। मैं इसके लिए पुलिस परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं बैंक के कर्मियों को, और मैं सभी पुलिस वालों को भी निवेदन करूंगा कि अपने इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में, अपने नॉमिनीज़ कौन रहेंगे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें, ताकि यदि कोई दुर्घटनावश कोई गंभीर घटना घटित होती है तो उन परिस्थितियों में आर्थिक समस्या से परिवार को नहीं जूझना पड़ेगा। इसके लिए संवेदनशील पुलिसकर्मियों को रहना चाहिए।